मौसम विभाग के अनुसार अभी जनपद में 3 दिनों तक होगी लगातार वर्षा। घर से बाहर निकलते समय वाहन चालक हेलमेट लगाकर ही निकलें घर से बाहर, मोटर दुर्घटना से बचें। बारिश की वजह से नदियों का जनपद में लगातार बढ़ रहा जलस्तर शाम तक डेंजर लेवल तक पार होने की है संभावना, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। महानगर में हुई झमाझम बारिश से सड़कों पर हुआ जल जमाव, कई मोहल्लों में घुसा पानी, महापौर ने कहा जहां से हो रही है शिकायत प्राप्त पंपिंग सेट के माध्यम से निकलवाया जा रहा है पानी। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल के सभी डॉक्टरों को दिलाया शपथ, दवा खाकर सभी को जागरूक रहने की दी सलाह, कहा गांव-गांव में आशा के माध्यम से लोगों को वितरित की जा रही है दवा। ऑपरेशन त्रिनेत्र को लेकर शाहपुर क्षेत्र में हुई खुली प्रतियोगिता, एडीजी और कमिश्नर ने प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, विजयी प्रतिभागी को दिया जाएगा 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार। ईडा थाने में मारपीट, हत्या, अवैध शराब निर्माण व सामूहिक दुष्कर्म करने वाले गैंग के 6 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। जनपद में बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में हो रही वर्षा की वजह से नदियों का जल स्तर काफी बढ़ रहा है, लेकिन नेपाल में अभी वर्षा कम हो रही है, इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो नदियां हैं उसमें जल स्तर अभी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस समय गंगा नदी में पानी ज्यादा है, जिसकी वजह से सरयू नदी में धीरे धीरे पानी आएगा, जिसकी वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन राप्ती नदी अभी वार्निंग लेवल के नीचे है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि देर शाम तक वार्निंग लेवल को पार कर जाएगी, जिसको देखते हुए सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर रखा है और सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर निगरानी कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए नदियों का जलस्तर बढ़ेगा और अभी बढ़ने का ट्रेंड जारी भी रहेगा, क्योंकि अपर कैचमेंट एरिया में लगातार जो वर्षा हो रही है उसके कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। एक गुड साइन केवल ये है कि नेपाल क्षेत्र में वर्षा उतनी नहीं हो रही है, इसलिए ये संभावित है कि जो नदियां अभी बढ़ रही हैं अभी 3-4 दिनों तक उसमें बढ़ाव दर्ज किया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद घटाव भी होगा, क्योंकि अभी बेसिकली जो गंगा नदी है, गंगा नदी में इस समय बाढ़ की स्थिति है, वहाँ पानी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि गंगा नदी के बढ़ने से जो हमारा सरयू जी का जो पार्ट है वो बहुत धीरे धीरे वहाँ से जल निकासी होगी और उसकी वजह से थोड़ा सा इस तरफ जो है नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और अभी राप्ती में भी जो है अभी वार्निंग लेवल के नीचे है, लेकिन ये संभावित है कि आज शाम तक या कल सुबह तक वो वार्निंग लेवल को क्रॉस कर जाए, संभव हो सकता है डेंजर लेवल तक भी जाए, लेकिन उसको देते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है, सभी बाढ़ चौकियों को क्रियाशील कर दिया गया है, डीएम सर द्वारा समुचित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी डिपार्टमेंट्स अलर्ट हैं और लगातार हम लोग नदियों को और हो रही वर्षा को मॉनिटर कर रहे हैं। राप्ती भी बढ़ रही है, रोहिणी अभी स्थिर है और इसमें अभी चूँकि राप्ती कैचमेंट एरिया में बारिश है और ऊपर पूरे श्रावस्ती, बलरामपुर, बिनगा और इन सब क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, तो उसकी वजह से राप्ती में के जलस्तर में वृद्धि हुई। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल में सभी को शपथ दिलाया, जिसके संबंध में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि जिला अस्पताल में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हुए हैं, गोष्ठी के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया पहले से काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जब भी हम लोगों में जागरूकता के लिए स्वयं दवा खाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और गांव-गांव आशा के माध्यम से दवा का वितरण भी करवा रहे हैं। इस अवसर पर CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अभियान में घर के अन्य सभी सदस्यों को खिलवाना सुनिश्चित करेंगे।
सभी मेडिकल टीम के सहयोगी बंधु बहुत कॉमन दिखता है और आपके और हमारे सभी के प्रयास से ये चीज लगभग समाप्त है। संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, आज ये फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और आज ये इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम लोग यहाँ इस सब यहाँ पर एक गोष्ठी करके और शुरू करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से फाइलेरिया पहले से काफ़ी कम हो गया है, लेकिन उसका कम्प्लीट एलिमिनेशन हो जाए ये हमारी संकल्पना है। और इसी कार्यक्रम के तहत यहाँ पे हम सभी ने यहाँ पे जितने हमारे स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य की जितनी टीम है इंक्लूडिंग जो है हमारे एडी साहब और सीएमओ साहब सभी ने ये दवा खाई और ये संदेश दिया कि ये दवा कितनी आवश्यक है कि अगर 5 साल लगातार अगर आप खा लेते हैं तो ये आपको कभी नहीं होने की संभावना रहेगी। ऐसे में इस कार्यक्रम की उपादेयता बहुत आवश्यक है, इसी कार्यक्रम को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं आज से। धन्यवाद। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस 64 अखिलित भवन, महेवा बंधा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवि इंटरप्राइजेज 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गीडा थाने में मारपीट, हत्या, अवैध शराब निर्माण व सामूहिक दुष्कर्म करने वाले गैंग के 6 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। गैंग लीडर प्रद्युम्न निषाद पुत्र पहलू निषाद निवासी कटुहर थाना रामगढ़ताल सहित अन्य 6 अभियुक्तों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के द्वारा अपराध एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गीडा पर आज एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई, जिसमें गैंग लीडर प्रद्युम्न निषाद व उनके अन्य 5 साथी भेली उर्फ आकाश, छुलई उर्फ परमात्मा, तारकेश्वर दिनेश निषाद व विपिन निषाद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। ये सभी अपराधी विगत दिनों हुए गैंगरेप में शामिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त हत्या, शराब निष्कर्षण व अन्य मारपीट के अभियोगों में भी इनके विरुद्ध अभियोग दर्ज हैं। इनके विरुद्ध अवैध संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी तथा आवश्यक बतानी कार्रवाई। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में अभी 3 दिनों तक वर्षा होगी, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार अभी जनपद में 3 दिनों तक वर्षा होगी। ये वर्षा कहीं पर ज्यादा होगी और कहीं पर कम होगी। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घर से बाहर निकलते हुए दामिनी ऐप पर देखकर
लगाकर ही घर से बाहर निकलें। इसके अलावा दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर ही घर से निकलें, क्योंकि बारिश में लोग गिर जाते हैं और चोट लग जाती है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, मौसम चूंकि अभी बना हुआ है और IMD द्वारा जो फोरकास्ट है तो अगले 2-3 दिनों तक वर्षा का उन्होंने फोरकास्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो अभी बारिश होगी और कहीं पे ज्यादा होगी कहीं हल्की होगी, लेकिन अभी बारिश की संभावनाएं पूरी पूरी बनी हुई है। देखिए, लोगों से ये मेरा अपील है, आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि जो भी हमारे जो जनता है वो जब कहीं बाहर निकले तो ये दामिनी ऐप को ज़रूर एक बार वॉच करें कि वज्रपात होने की संभावना है किस क्षेत्र में है। यदि मौसम क्लियर है तो फिर आगे बढ़ें, और साथ ही साथ जो सचेत ऐप है उसको भी डाउनलोड करें, और इस समय जो 2-व्हीलर्स ड्राइव कर रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि विदाउट हेलमेट वो करते ही ड्राइविंग ना करें, क्योंकि इस समय थोड़ा सा रिस्की होता है, बरसात का समय है तो थोड़ा सा सुरक्षित रहें। सर्पदंश की घटनाएं इस समय बहुत ज़्यादा होती हैं, तो नंगे पांव कोई भी ना चले, जब भी चले तो वो शूज़ वगैरह पहन करके ही चले, और हाथ में लालटेन या क्या कहते हैं टॉर्च वगैरह ज़रूर रखें जिससे कि वो सुरक्षित रहें। तो इस प्रकार अपनी अपनी सुरक्षा स्वयं से करनी बहुत आवश्यक है, मैं यही अनुरोध। महानगर में हुई झमाझम बारिश से सड़कों पर जल जमा हुआ, जिसके संबंध में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि महानगर में जहां पर जल जमा हुआ है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर जल जमाव से मुक्ति दिलाई जाए। इसके साथ ही जहां से जल जमाव की शिकायत प्राप्त हो रही है वहां पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि महानगर में कई जगहों से शिकायत प्राप्त हुई है, वहां पर पंपिंग सेट लगाकर जल निकासी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, आ रही है वहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है वहाँ से जल जमाव से तुरंत मुक्ति दिलाई जाए, और निश्चित तौर से क्योंकि गोरखपुर की ज्योग्राफी ऐसी है कि कई जगह जल जमाव की शिकायतें आ रही हैं, तो ऐसे में वहाँ पर हम लोग पंपिंग सेट लगाकर नलकूप से और इन चीज सभी सुविधाओं से को उपयोग करके हम लोग जल जमाव हटाने की कोशिश। अब आप अपने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिलित भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हर प्रमुख चौराहों व स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही हर घर कैमरा अभियान के तहत भी कैमरे लगाए गए हैं। शाहपुर थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 3000 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं। इसको लेकर आज शाहपुर क्षेत्र के HN सिंह चौराहे में खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में ADG जोन अखिल कुमार, मंडल आयुक्त अनिल ढिंगरा, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SPCT कृष्ण कुमार बिश्नोई, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ नतेश्वर सिंह, शाहपुर थाना प्रभारी शशि भूषण राय समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जो प्रतिभागी बिना CCTV कैमरे के जद में आए हुए अगर निर्धारित स्थान पर पहुंचते हैं तो इन्हें 1,00,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इसको लेकर खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अपराधियों पर लगाम लगाने की दिशा में ADG जोन अखिल कुमार ने ये अनोखी पहल की है। इस संबंध में गोरखपुन्नी संवाददाता से बात करते हुए प्रतिभागी युवक और ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, ऑपरेशन त्रिनेत्र एक चक्रव्यूह है जो हर चौराहे पे कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस का कहना ये है कि आप हर चौराहे से बच के निकलिए तो आपको 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमने इस प्रतियोगिता में भाग लिया हुआ हूँ, हर चौराहे पे मैं देखता हो गया हूँ, गली कुछ गया हूँ, देखते हैं 1,00,000 रुपए का इनाम मैं पा पाऊंगा नहीं पाऊंगा। लेकिन ये कि पुलिस की ट्रायल है कि हर चौराहे पे कैमरा पा सकते नहीं पा सकते हैं। पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, हर चौराहे हर घर कैमरे लगे हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकती है पुलिस। संतोष चौहान नाम मेरा। ये ऑपरेशन त्रिनेत्र एक बहुत अच्छी पहल है हमारी तरफ से,
करते हैं यहाँ पर? हम लोग आईटी सेक्टर काम करते हैं, नेटवर्किंग का। क्या आपको याद होगा पिछले वर्ष ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें हम कैमरा लगा और कैमरा के जरिए हम क्षेत्र पर नज़र रखें, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग उस वक्त हमारे तत्कालीन कमिश्नर एनजी रवि साहब ने दिया था, जहां हम लोग एक मीटिंग किए थे जहां हमारे प्रदेश जनपद के सभी सम्राट नागरिकगण और प्रधान आए थे, और उसके बाद ये मुहिम तेज़ी पकड़ने लगी और आज हमारे गोरखपुर जनपद में करीब 21,000 कैमरे डिफरेंट जगहों पे लगे हैं, जिसमें करीब करीब 3,000 हाई क्वालिटी कैमरे हैं और करीब करीब 18,000 कैमरा निजी मकान आवासों पे लगाए गए हैं। इस अभियान में हमारे गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम सब ने बड़े ज़ोर शोर से पार्टिसिपेट किया, बहुत सिटीजन्स ने पार्टिसिपेट किया, फिर जनप्रतिनिधियों ने आए वो भी अपनी धनराशि दिए, सांसद जी ने 1 करोड़ रुपये दिया, सभी माननीय विधायकों ने 25-25 लाख दिए, तो हमारे SSP साहब के नेतृत्व में ये अभियान सबसे तेज़ी पकड़ी और करीब हम लोग आज के दिन में जो कैमरों का नेटवर्क है बहुत रोबस्ट हो गया है। पिछले कुछ दिनों में शाहपुर हमारा प्रदेश का पहला थाना पहना है जहाँ हर चौराहे हर रास्ते पे CCTV कैमरा है। इसके कई दूरगामी परिणाम मिल रहे हैं, एक तो डिटरेंस है, मनोवैज्ञानिक दबाव है अपराधियों पर, वो उस क्षेत्र में अपराध करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब अपराध कर भी ले रहे हैं तो पकड़े जा रहे हैं, तो पहला था कि कर नहीं रहे हैं और कर रहे हैं तो पकड़े जा रहे हैं, और तीसरा जो महत्वपूर्ण हो रहा है कि निर्दोष लोग जेल नहीं जा रहे हैं। उसी क्रम में आज ये प्रतियोगिता हुई है जहाँ हमारे नए कमिश्नर साहब यहाँ आए हैं और इसका फ्लैग ऑफ किया है। इसमें हमारा प्रतियोगिता में एक चैलेंज है लोगों को कि अगर आप हमारे थाना क्षेत्र से बाहर CCTV में जहद आए हुए निकल जाए, उसमें हम लोग ने चूँकि ऐसा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, लाइफलाइंस भी दिए हैं, अगर वो निकल जाते हैं तो गैलेंट जो हमारी यहाँ पर हमारे इस प्रतियोगिता को प्रायोजित कर रही है, उन्होंने 1 लाख रुपये घोषणा की है, अगर कोई निकल जाएगा तो 1 लाख रुपये देंगे। अब इसमें दो परिस्थितियाँ आती हैं कि कोई निकल जाता है तो हमें पता लग जाएगा हमारा वीक लिंक कहाँ है, हम वहाँ कैमरा लगा लेंगे, और अगर नहीं निकल पाता है तो एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज जाएगा बाहर, जिसमें कि इस क्षेत्र में अब जाना मुश्किल है, क्योंकि कहीं भी जाओगे तो कैमरे के तहत में पकड़े जाओगे। तो यही ट्रैक कैसे किया जा रहा है? इसमें देखिए एक ऐप दिया गया है सभी को, उस ऐप में उनकी पूरी लोकेशंस हमारे पास आ जाएंगी, जिनके तहत वो जिन रास्तों पे गए हैं वो ट्रैक हो जाएगा, उस पर ओवरलैप कैमरे कहाँ हैं वो हमें पता लग जाएंगे और आप देख सकेंगे कि वो कैमरे में आएगा।